जिस शरीर के माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छे कार्य करते हैं, मोक्ष मार्ग में भी यह शरीर काम करता है, उनके लिए भी यहाँ के औषध अवश्य काम में आ सकता है। ऐसे यदि काम करते हो तो इसके साथ साथ शुद्ध औषधियों के निर्माण और शुद्ध औषधियों को वितरण करने का कार्यक्रम, वैद्यों को तैयार करना और छात्र छात्राओं को वहाँ पर विद्यालय के में भर्ती करा करके उनको इस आदर्श कार्य, जो कि यह एक प्रकार से लुप्त प्राय हो रहा था और आप लोगों ने इसको बीड़ा उठाया है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसका नामकरण क्या हो जाए। देखो, कोई अजर अमर बन करके तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अजर अमर बनने की प्रक्रिया को तो अपना सकते हैं। इसलिए सुनने में आया था भोपाल इत्यादि में चिरायु है ना, चिरायु। चिरायु का अर्थ क्या होता है? बहुत दिन तक बना रहे, बन नहीं सकता, क्योंकि शरीर चिरायु तो हो नहीं सकते। इतना अवश्य है इसका नामकरण पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय। पास मेरे पास आए थे, आज मैं सोच रहा था नामकरण करूं क्या न करूं, नहीं से उत्साह के साथ आए हैं, लेकिन इस उत्साह को बनाए रखें। उत्सुकता और उत्साह में बहुत अंतर में समझता हूँ। जिसके पास गंभीरता नहीं है वो उसको उत्सुकता होती है, किंतु जो व्यक्ति उत्साह रखता है वह बहुत बड़ा काम भी कर सकता है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका उत्साह दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ते रहे। केवल आप नाम के ही नहीं किंतु दाम के साथ भी काम करेंगे, ऐसा सुदामा बन करके नहीं, कृष्ण जी बन करके आपको काम करना होगा। अहिंसा परमो धर्म की